blank chart. Because you are not studying, you are not taking interest. Okay, let me ask one more question. We have CNG vehicles. हमारे पास भी हमारे स्टाफ के पास होंगे काफी. What is the main drawback of CNG vehicles? क्या है इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? मैंने अपनी गाड़ी में CNG नहीं लगाया, मैडम ने भी नहीं लगाया, हमारे बहुत सारे स्टाफ ने नहीं लगाया, either पेट्रोल और डीजल. बताएगा कोई क्या है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक? कोई नहीं बताएगा. चलो मैं बता देता हूं. इसका जो टैंक होता है वो बड़ा बल्की होता है, उसका वॉल्यूम काफी होता है, और जो छोटी कार है उनमें इतना बड़ा स्पेस मैनेज करना मुश्किल होता है, इसीलिए वो एक हमारा जो बूट लेग है उसको ले लेते हैं. एक और क्वेश्चन इस तरीके से, ये जो सीएनजी है इसमें कौन सी गैस की यानी मैक्सिमम होती है, इसमें कौन सी गैस इसमें बहुतायत में होती है? जोर से बोलो खड़े होके, मीथेन, दैट इज द राइट आंसर. ताली बजाओ इसका. ये क्विज, व्हाई आई डिड दिस क्विज, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव थ्री बैक टू बैक कॉम्पिटिशंस, पीसीआरए पेट्रोलियम रिसर्च, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, वी आर गोइंग टू कंडक्ट थ्री कॉम्पिटिशंस, एसे राइटिंग एंड पोस्टर एंड देन क्विज, एंड ऑल दीज थ्री फर्स्ट दीज विल टेक प्लेस एट स्कूल लेवल, and after that these will be at district level, state level, national level, and there are fabulous prizes, even visit to abroad, laptops, cash prizes. So if you have fire, you have lot of things to do. So we are going to start these competitions next week, and the topics are very simple, and these are regarding saving fuel. What are the uses, what are the advantages if we save fuel? Fossil fuels, you know, it is exhaustible. So all of you will prepare for this, so that you can participate in these competitions. And first of all, we will have school level competitions. Then best two entries will be for district level, and then again for state level. And this is open for 6 to 10, 11, 12 not involved. 6, 7, 8, 9, 10. So those students who are good at these, they will give their names to Madhubala ma'am, and we will give them the necessary guidance. They can prepare, and we are going to have this competition next week. Probably after 15th August, we will conduct these competitions. So conservation of fuel is very, very important. And you know, we depend upon we are depending upon any other country, even abroad, for this fuel requirement. We don't have that much. All right? एक और भी चलो क्वेश्चन साथ में आ जाता है कि ये जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल, ये जो सीएनजी है या जो नेचुरल गैस है, ये सबसे पहले किस देश में इसका कॉमर्शियल यूज हुआ था, बता सकते हो? वेयर वेयर दिस नेचुरल गैस वाज फर्स्ट यूज कॉमर्शियल? यूएस में हुआ था, फ्रेडोनिया एक सिटी है, वहां इसका हुआ. और मैं बता दूं कि देहरादून में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है और आईपीआई है, हिमाचल में इसकी ड्रिलिंग साइट है, एक वहां पे ज्वाला देवी है. तो पहले लोगों का ये था कि ज्वाला देवी है, देवी है, लेकिन बाद में जब रशियन साइंटिस्ट वहां विजिट किए तो दे सेड नो, ओके, देयर इज गॉड इज डिवाइन बट देयर इज गैस कट. उसके बाद वहां पे ड्रिलिंग ली गई, एंड दैट इज द लार्जेस्ट गैस साइट इन इंडिया, चेरी गैस साइट. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप अपने अपने आप को अपडेट रखिए. जिन लोगों ने टेस्ट, जिनके छूटे हैं, वो आज 2 बजे टेस्ट देंगे, 2 से 3 तक टेस्ट देंगे. टुडे वी हैव एसएमसी मीटिंग एंड वी हैव वन मोर मीटिंग इन कॉन्फ्रेंस हॉल, कुछ बाहर के प्रिंसिपल्स आएंगे. मेंटेन योर डिसिप्लिन, डेकोरम, डोंट रोम हियर एंड देयर. मैं देख रहा हूं कि एक आउट पास में 2 या 3 बजे